बेटो रुबिस्को का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? यस सर, ठीक है, ये अकलौती, बट ये आप आपका उसकी लाइक पहली प्रायोरिटी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है ना। एग्जैक्टली हाँ, प्रायोरिटी इसकी पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है हमें। हम जानते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं CO2 की हेल्प से करते हैं भाई, यानी खाना तो CO2 से बनाएंगे, ऑक्सीजन की तो उनको कोई जरूरत ही नहीं है इतनी, तो इसीलिए इसकी प्रायोरिटी हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा है। ये CO2 से पहले बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से तो बाद में, ऑक्सीजन से तभी बाइंड करेगा जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। गॉट इट? अविनाश क्लियर यस बात सर, अच्छे? ओके अब ठीक है, चलो हाँ अब सही। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, दैट वाज रूबिस्को एंजाइम। ये तो आपका किसमें, प्लांट्स के अंदर है बेटा। एंड एनिमल्स के अंदर कौन सा होता है अबंडेंट? प्लांट्स के अंदर अबंडेंट प्रोटीन जो है वो तो आपकी रूबिस्को है। प्लांट्स के एनिमल्स के अंदर कौन सी होती है बेटा? कॉलेजन। एनिमल्स के अंदर है, इन एनिमल्स। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है ये भी। एनिमल्स के अंदर सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? इट्स अबंडेंट प्रोटीन। ठीक है, एनिमल्स के अंदर अबंडेंट प्रोटीन आपकी कॉलेजन है, और प्लांट्स के अंदर आपकी अबंडेंट प्रोटीन रूबिस्को है। इसको मार्क कर ले सीधा सीधा। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका दैट इज। तो अब आपका कहानी पे आ जाते हैं फटाफट, चलो। तो बेटा अब क्या हुआ आपका, यहाँ पे आपका 5 कार्बन का RuBP था, आपकी CO2 से इसके संग जाके बाइंड कर रही है RuBP से। ठीक है, CO2 जो है RuBP से बाइंड कर गई, कार्बोक्सिलेशन हो गया। एंजाइम कौन सा यूज होगा यहाँ पे? RuBP कार्बोक्सिलेज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर रही है तो आपका कार्बोक्सिलेज आ गया। ठीक है, RuBP आपका कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ यूज हो गया, CO2 जो है इससे बाइंड कर गई RuBP से, और 6 कार्बन का आपका एक मॉलिक्यूल बनाती है जो कैसा है, हाईली अनस्टेबल है। ये आपका अनस्टेबल मॉलिक्यूल आपका फर्दर ब्रेक डाउन हो गया, और इसने आपके 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना दिए, दैट वाज 3-फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड। ठीक है बेटा, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा, आपके शुगर के अंदर हमेशा अल्कोहल ग्रुप होता है, आपकी शुगर में हमेशा अल्कोहल ग्रुप होता है, ये चीज मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, शुगर में हमेशा अल्कोहल ग्रुप होता है, ग्रुप होता है। और आपके दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो एक चीज ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आपका जब भी एसिड की बात करेंगे, इस एसिड का जब भी रिडक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं लेके जाऊंगा, बस इतना सी सब बात को ध्यान में रखना भाई। आपके शुगर में हमेशा अल्कोहल ग्रुप होगा, और जब भी एसिड का रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा दैट इज अल्कोहल, यू विल गेट एन अल्कोहल, ये चीज आपको मिलेगी। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं कि आपका एसिड जो है वो आपका शुगर के बराबर ही है, यानी आपका एसिड जो है वो अल्कोहल बना, वो सॉरी आपका एसिड जो है वो आपका शुगर बना रहा है। कैन आई से दिस? हाँ बेटा, कैन आई से दिस कि आपका एसिड जो है दैट विल फॉर्म शुगर, बिकॉज आपका शुगर में भी अल्कोहल है, और एसिड का रिडक्शन करोगे तो भी आपको क्या मिल रहा है? आपको अल्कोहल मिल रहा है। तो आई कैन से दिस बहुत इजीली कि भाई आपका एसिड जो है वो आपका शुगर बना रहा है। अविनाश, आराधना, शिल्पा, रितिका, बात समझ में आई बच्चों? यस है ना आप? ठीक है ना शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू? अविनाश बेटा सर, तब तो वो 6 कार्बन होना चाहिए ना, क्या तब आपका मतलब मॉलिक्यूल? वो हाँ हाँ बोलो बोलो। तो सर, तो शुगर में लाइक ग्लूकोज बन रहा है तो C6 है, तो एसिड पे मतलब वो 5 मॉलिक्यूल वाला कार्बन होना चाहिए, तब जाके रिडक्शन पे एक हाइड्रोजन लगेगा तो वो आएगा बनेगा। आएगा आएगा आएगा, उस पर भी आएगा। रुको, आपको मैं एक सिंपल सी कहानी बता दिखा देता हूँ। ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, CHO, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, CH2OH। ठीक है, दैट इज ये आपका हो गया। हाँ जी ठीक है, ये आपका 6 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे आपका H
एंड ओ एच थर्ड कार्बन पे ओ एच ओ एच 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 ओ एच एंड एच। बेटा अब तुम खुद देखो यहाँ पे तुम्हें इस पे एल्कोहल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है हर एक पे अविनाश, दिस इज योर ग्लूकोज। हाँ जी बेटा, यस सर। ठीक है, तो ये चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि आपकी जो भी शुगर होती है ना बेटा, आपकी शुगर में आपका एल्कोहल प्रेजेंट होता है, दैट ऑल कंटेन एल्कोहल। ठीक है, और आपका एसिड का रिडक्शन होता है तो भी आपको एल्कोहल मिलता है। तो भाई आप यहाँ पे सीधी बात देखो क्या कर रहे हो, आप यहाँ जो आपका एसिड बन रहा है फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट क्या है, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। तो बेटा ये जो आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आ रहा है ना इसमें भी, दैट इज ऑल्सो एसिड। इसका क्या कर रहे हो आप, रिडक्शन ही तो कर रहे हो, इसका रिडक्शन करके आप क्या बना रहे हो, ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट क्या, आपका शुगर है, दैट इज शुगर जो आपका क्या बनाएगा, आपका ग्लूकोज बनाएगा। आई बात समझ में बच्चे? यस सर। ठीक है आराधना, शिल्पा, रितिका, यहां तक समझ में आई बात कुछ पिक्चर बेटा, कि आपका क्या हुआ यहाँ पे, छह कार्बन का मॉलिक्यूल अनस्टेबल था, जो आपका दो कार्बन दो मॉलिक्यूल बनाता है, तीन तीन कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब आपको मैंने यहाँ ये कंसेप्ट बता दिया कि भाई आपका शुगर आपके एल्कोहल, इसमें एल्कोहल ग्रुप होता है, एसिड का रिडक्शन करोगे तो एल्कोहल मिलेगा, यानी आपके एसिड से आपकी शुगर बन सकती है आराम से। तो भाई आपका इसी एसिड का यहाँ रिडक्शन करोगे आप तो आपको ये आपकी शुगर बनते हुए मिलेगी। इज इट क्लियर शिल्पा, आराधना एंड रितिका? यस सर। ठीक है, तो बेटा अब क्या होगा यहाँ पे, आप अब मेरी बात को ध्यान से समझ, अब मेरी बात को प्लीज थोड़ा और गौर से समझना, बस समझने वाली बात है। यहाँ पे जब आपका रिडक्शन हुआ तो यहाँ आपका एटीपी दिखाया है यूज होते हुए, ये एटीपी हो रहा है यूज, साथ में आपका एनएडीपीएच यूज हो रहा है। बेटा ये कौन सा एनएडीपीएच है, जो आपका मैंने बताया था नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में स्टोमा के अंदर आपका एनएडीपीएच बना था ना, मैंने जो बताया था कैल्विन साइकिल में यूज होगा, ये वो एनएडीपीएच है और एटीपी है जो यहाँ यूज हो रहे हैं। गॉट इट? अब आपके क्योंकि दो मॉलिक्यूल हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, कितने हैं, दो मॉलिक्यूल हैं, तो वही सेम कंसेप्ट, दो एटीपी यूज होंगे, दो एनएडीपीएच। ये आपके एनएडीपीएच से क्या बन रहा है, आपका एनएडीपी आयंस बन रहा है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो गया, यानी एनएडीपीएच से एनएडीपी आयंस बना और आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो रहा है। तो ये बेटा क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ही तो हो गया इसका, इसका यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ये जो प्रोसेस है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ट्रायल फॉस्फेट का बनना, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आई, रिडक्शन जो होगा वो इस एसिड का हो रहा है आपके शुगर, ठीक है, लेकिन एनएडीपीएच से जो आपका एनएडीपी आयंस बन रहे हैं और आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो अलग हुआ, ये क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ है। गॉट इट बेटा? यस सर। आराधना, शिल्पा, रितिका, डन बच्चों, फिर से बताऊं अदरवाइज? शिल्पा, रितिका, फिर से समझाऊं बच्चों? यस सर, क्लियर। क्लियर, चलो। तो बेटा अब आपका ट्रायोस फॉस्फेट बन गया, ट्रायोस फॉस्फेट के भी कितने मॉलिक्यूल बने, दो मॉलिक्यूल बने, हमें दो दो मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, हम दो मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, इसके भी आपके दो फॉस्फेट। अब ये कितने कार्बन का है, तीन कार्बन का तो है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी आपका तीन कार्बन का था, ये भी आपका तीन कार्बन का था, दैट इज ऑल्सो, ठीक है, ये भी आपका तीन कार्बन का बना, कितने मॉलिक्यूल बने, दो मॉलिक्यूल बने। अब भाई यहाँ पे आपके टोटल कितने हैं ट्रायोस फॉस्फेट, आपके दो, तीन कार्बन इसमें, इसका एक और मॉलिक्यूल होगा, दैट इज तीन कार्बन उसमें, तो टोटल कितने होगा, छह कार्बन, ठीक है, दैट इज। तो ये ट्रायोस फॉस्फेट आपका जो होता था बेटा, ये आपका कहाँ यूज होगा, ये ट्रायोस फॉस्फेट आपका यूज हो जाएगा ग्लूकोज बनाने में, दैट विल बी यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज बनाएगा यहाँ पे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ट्रायोस फॉस्फेट में बेटा कितने कार्बन है, टोटल तीन कार्बन इसके, दो 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 मॉलिक्यूल है ना, तो आपके टोटल कितने कार्बन हो गए, छह कार्बन, छह कार्बन में से आपके बेटा, एक सेकेंड मैं इसको कहाँ दिखाऊं, हाँ चलो यहाँ दिखा देता हूँ, इसमें टोटल कितने हैं आपके, छह कार्बन हो गए, दो मॉलिक्यूल हैं, तो छह कार्बन में से एक कार्बन, वन कार्बन, एक कार्बन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी यूज, एक कार्बन आपका ग्लूकोज बनाने में, ग्लूकोज का एक कार्बन बनाने में यूज होगा, बचे कितने आपके, पांच कार्बन, फाइव कार्बन बचे, ये पांच कार्बन आपके अगेन रीजनरेशन में यूज हो जाएंगे, दैट विल बी यूज इन रीजनरेशन, ये पांच कार्बन आपके रीजनरेशन में यूज हो गए, यहाँ आपकी अगेन एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज हुआ,
एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस बना, और ये पांच कार्बन से आपका क्या बन गया, अगेन पांच कार्बन का आरयूबीपी बन गया। रितिका, अविनाश, आराधना, बात समझ में आई? शिल्पा, फिर से बताऊं? क्लियर? ओके, अविनाश, आराधना, शिल्पा, बेटा फिर से बताऊं? यस सर, और एक बार बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता देते हैं। देखो मैं यहां बना देता हूँ इसको, लेट मी टेल यू हियर, नीचे बना देते हैं ना, एक बार हम अपने हाथ से बना लेते हैं तो और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आपका था आरयूबीपी, आरयूबीपी पांच कार्बन का, ठीक है, आपका कार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 ऐड हो गई, ठीक है, CO2 ऐड हुई तो छह कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना जो आपका अनस्टेबल था, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, और आपको तीन कार्बन के, तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल मिले PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। अब यहां से ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपका क्या बना, ट्रायोस फॉस्फेट। ये ट्रायोस फॉस्फेट जो बना बच्चे, ये भी कितना है आपका, तीन कार्बन का था, कितने मॉलिक्यूल बने, दो मॉलिक्यूल बने इसके भी। यहाँ पे आपका क्या हुआ, NADPH जो थे, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो NADPH यहाँ पे क्या हुए, रिड्यूस हो गए, NADP आयंस प्लस आपका क्या बन गया यहाँ पे, दैट इज आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस निकल गया। इस प्रोसेस को यहाँ पे आपने कहा ऑक्सीडेशन, और ये जो प्रोसेस हुई, ये हुई आपकी रिडक्शन, दैट वॉज रिडक्शन, एंड देन यहाँ पे आपका ATP जो था वो यूटिलाइज हो गया और आपका ADP बन गया प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस बन गया। अब बेटा यहाँ पे ये जो आपका ट्रायोस फॉस्फेट बना है, कितने कार्बन है यहाँ पे, टोटल दो मॉलिक्यूल से, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, छह कार्बन हो गए कि नहीं हो गए, आराधना बेटा, गॉट इट? यस सर। अब इस छह कार्बन में से एक कार्बन आपका यूज हो गया ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज का सिंगल कार्बन बनाने के लिए, C6H12O6 है ना, तो इसका सिंगल कार्बन बनाने के लिए ये एक कार्बन यहां से यूटिलाइज हो गया। बचे कितने बेटा आपके, पांच कार्बन, ये पांच कार्बन आपके रीजनरेशन में यूज हो गए, और ये क्या बना देंगे, क्योंकि कैल्विन साइकिल है, साइकिल वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो ये पांच कार्बन आपका क्या बना देंगे, अगेन आपका आरयूबीपी बना देंगे, ये भी पांच कार्बन का था और ये पांच कार्बन। अब गॉट इट बेटा, मेरी बात समझ में आ गई? और यहाँ आपका एटीपी अगेन फिर से एनर्जी यूज हो गई आपका एडीपी बना देंगे। अब बात क्लियर मेरे बच्चों? यस सर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, अब मुझे बताओ ये कैल्विन साइकिल ग्लूकोज का सिंगल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने CO2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे? सिक्स है ना, सिक्स ग्लूकोज के दो लगेंगे आप। तो अब यहाँ पे हम लोग इसी चीज को देखेंगे, आपके यहाँ पे आप देखो एटीपी बन रहे थे तीन, आपके दो एटीपी तो आपके सॉरी कितने एटीपी लगे यहाँ पे, तीन एटीपी लगे, क्यों भाई, दो एटीपी यहाँ लग रहे हैं, ठीक है, और एक एटीपी यहाँ लग रहा है, दैट इज एक एटीपी आपका यहाँ लगे, तो टोटल तीन एटीपी। इस साइकिल को छह बार रिपीट कर रहे हो आप, कैल्विन साइकिल को छह बार रिपीट करोगे तभी तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, तो सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कितने एटीपी बन गए, लगे आपको बेटा, बने नहीं सॉरी लगे यूज हो गए आपके 18 एटीपी यूज हो गए। सेम ऐसे आपके यहाँ पे दो एनएडीपीएस यूज हो रहे थे, ठीक है, छह बार अगेन उसको आप मल्टीप्लाई कर लो छह से, तो कितने एनएडीपीएस यूज हो गए आपके, 12 एनएडीपीएस यूज हो गए। बात समझ में आई रितिका, अविनाश, आराधना एंड शिल्पा? यस सर। कोई डाउट अब यहां तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, शिल्पा, हाँ जी, बड़े लोग क्लियर तुम्हें भी? ओके okay.